जैन मुनिराज संत श्री विमर्श सागर कानपुर के जैन मंदिर में जैन संतों सहित विराजमान हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर सभी को कई संदेश दिए। होली पर्व पर गुरुदेव ने संदेश देते हुए बताया कि पर्व जीवन में पवित्रता को लाने वाले होते हैं। होली पर्व मिलन का पर्व है और इस पर्व पर आपसी मनमुटाव खोकर प्रेम वात्सल्य और एकता के रंगों के साथ होली पर्व मनाएं और आपस में किसी से दुर्व्यवहार न करें। हमारा भी अभी कानपुर प्रवास हुआ है और योग संयोग से यहाँ पर अभी होली का पर्व भी निकट ही है और हम लोग इस पर्व के ऊपर ये संदेश देना चाहते हैं, ये होली प्रेम के रंगों से हो, वासल के रंगों से हो, करुणा और अहिंसा दया के रंगों से मनाई जाए। हम एक दूसरे के साथ मिलकर के रहे, आपस में अगर प्रेम भाव होगा तो परिवार और समाज का निर्माण हो सकता है। आज वर्तमान में युवा पीढ़ी जो नशे के चूर में अपने परिवार और समाज की निष्ठा को भूल रही है, तो मैं युवा पीढ़ी को खासकर यह संदेश देना चाहूंगा कि ऐसे पर्व के दिनों में पवित्रता बनाकर के रखें। हमारा बुद्धि विवेक अवश्य ही शुद्ध रहे, पर यह तभी संभव है जबकि आप शराब से दूर रहे, नशीली चीजों से दूर रहे और अच्छी हंसी और खुशी के साथ आप पर्व को मनाएं। यह मेरा सभी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।